भारत, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं में अलग होते हुए भी संस्कृति और सभ्यता से समृद्ध देश है। हम अपनी हर तरह की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं। आत्मनिर्भरता हमारी शान है। फिर भी हमारे देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ साथ बढ़ रही हैं तरह तरह की बीमारियां। कारण है बढ़ता प्रदूषण। खान पान में हुए बदलाव से हम कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं, नाकाम कर देती हैं। एक्सीडेंट, आतंकी हमले और दंगे फसाद के कारण कई लोगों को अपने अंग खोने पड़ते हैं। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन द्वारा दूसरे इंसान का अंग लगाकर अच्छी जिंदगी दी जा सकती है। कुदरत ने इंसान के शरीर में किडनी, हार्ट, लीवर, आंखें, बोन और चमड़ी जैसे अनमोल अंग दिए हैं। शरीर के इन अंगों को मृत्यु पश्चात जलाकर राख करने के लिए या दफनाने के लिए दिए हैं। जी नहीं, आपके अनमोल अंग किसी पीड़ित मरीज के काम आ सकते हैं। हजारों मरीज जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। कई तो सालों से लंबी कतार में उम्मीद से खड़े हैं। उनके लिए आप अपने शरीर के अंगों का दान कीजिए। अंग दान करने से आप सदा के लिए जीवित रहोगे। अंगों का दान श्रेष्ठ दान। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के सरकारी या अर्ध सरकारी अस्पताल में संपर्क कीजिए। मुझे शरीर और अवयव दान करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका नाम? विजय सहारे। उम्र? 30 साल। ये लीजिए फॉर्म, बाजू के रूम ले जाइए, वहाँ डॉक्टर साहब आपको शरीर अवयव दान के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू। कुदरत ने इंसान के शरीर की रचना इतनी सुंदर, मनमोहक और खूबियों से भरी रहस्यमय बनाई है। मानव शरीर पर किए हुए प्रयोगों से कई महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आए हैं। सर बैठो। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या ब्रेन डेड घोषित होने के बाद शरीर के महत्वपूर्ण अवयव जैसे कि आंखें, हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर, हड्डियां एवं त्वचा आदि जीवित रहते हैं, जिससे करीब 10 जरूरतमंद व्यक्तियों को जीवनदान मिल सकता है। मानव का यह शरीर अत्यधिक अनमोल है, जो जीवन के रहते एवं जीवनोपरांत दोनों स्थिति में किसी पर उपकार कर सकता है। मानव मृत शरीर के मुंह में आकर संपूर्ण शरीर को मिट्टी में दफना देता है या उसको जलाकर राख कर देता है। यह है शरीर तथा अवयव दान करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एकदम सरल। इस फॉर्म पर आपके रिश्तेदारों की सहमति के हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। शरीर तथा अवयव दान किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मृत्यु के बाद आंखें दान करने से क्या अगले जन्म में मैं अंधा पैदा हो जाऊंगा? मित्र, इस जन्म में पुण्य का काम करके जाओगे तो भगवान इतना निर्दयी तो नहीं कि आपको अंधे का जन्म दे। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन डेथ का मतलब क्या है और क्या होता है ये ब्रेन डेथ? जब ब्रेन का कार्य संपूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिसका कारण ब्रेन एक्सीडेंट या ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ट्यूमर हो, जिसकी वजह से
इंसान कोमा में चला जाता है, उसकी सांस मशीन से चलाई जाती है, मगर उसकी जिंदा रहने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। उसे हम कहते हैं ब्रेन डेथ। तो मैंने एक किडनी दान कर दी और बाद में मेरी दूसरी किडनी खराब हो गई, तो जब किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ये तय कर लेते हैं कि आपकी दूसरी किडनी बिल्कुल सही है, तभी वो आपकी किडनी निकालते हैं। आदमी एक किडनी के सहारे पूरी जिंदगी सही तरह से जिंदा रह सकता है। फिर भी अगर आगे जाके अगर किडनी की कोई तकलीफ महसूस हो रही हो तो भी उसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, मैंने मेरा शरीर तथा अवयव इस अस्पताल में दान किए, लेकिन मेरी मृत्यु अगर मेरे गांव या किसी अन्य जगह हो जाती है तो क्या मेरा शरीर तथा अवयव दान स्वीकारा जाएगा? अवश्य, शरीर तथा अवयव दान करने का परिचय पत्र आप अपने पास हमेशा रखिए। शरीर तथा अवयव दान संपूर्ण भारत में सभी हॉस्पिटल में स्वीकारा जाता है। और यह है विजय, जिन्होंने अभी अभी शरीर तथा अवयव दान करने का पंजीकरण किया है। दोस्तों, टीवी पर मैंने जब शरीर और अवयव दान करने का प्रोग्राम देखा तो मैं यहाँ चला है। मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा जिसका लीवर खराब हो गया था, जिसे बचाने के लिए मैं दर दर भटकता रहा लेकिन उसे बचा नहीं सका। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरे शरीर और अवयव दान करने से जरूरतमंद लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे रक्तदान करने की आपकी सोच ने संपूर्ण देश में जागरूकता ला दी है, जिससे आप लाखों लोगों की जान बचा पा रहे हैं, इसी तरह आपके शरीर तथा अवयव दान करने की एक सोच देश में होने वाले शरीर अवयव व्यापार को लगाम लगा सकती है। सिर्फ आपकी एक सोच।